तो गाइस डील जो है अपना खत्म हो चुका है। देख सकते हो आप सामने ट्रेलर में हमारा पहला स्टॉक जो है आ चुका है इसमें। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका प्यारा जिग्गू आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि गाइस आप लोगों ने हमारे पहले एपिसोड में देखा था कि मैंने जो खरीदा था एक शोरूम जहाँ हमको एक कार डीलरशिप खोलना है, तो उसी रिगार्डिंग जो है आज कुछ कंपनी उसके साथ जो मेरा मीटिंग है उसमें कुछ कुछ लग्जरी कार्स के ब्रांड वाले आएंगे और कुछ कुछ नॉर्मल वैसे ही कार्स वाले आएंगे। तो जो मीटिंग हमने अरेंज किया है जो वो है अपने जिमी के घर पे, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं जिमी के घर पे। वैसे भी मैं लेट हो चुका हूँ, मोटे के पास से मैंने वेन्यू छीन ही लिया है। उसको बोला जब तक मैं ना कार खरीद लूँ तब तक तेरे को नहीं मिलेगा। बाकी भागते तित्तर की तरह है ये ड्रिफ्ट। ये मजा ही अलग है भाई, वेन्यू चलाने का मजा ही अलग है। और ट्रक वाला कहाँ घुसा रहा है? बिना ठोके किसी के कार में मेरा तो बॉन ही होता ही नहीं दिन का। दिन में जब भी कार लेके निकलूँ एक को तो ठोकूंगा ही मैं। ये सीन हो चुका है मेरे साथ, लगता है मेरे को ड्राइवर रखना पड़ेगा नहीं तो ठोक ठोक के आधे लॉस एंटोस। ये देखो फिर से, नहीं तो ठोक ठोक के आधे लॉस एंटोस वालों का गाड़ियाँ मैं ही बिगाड़ दूँ। अपने पहले ये देखो फिर से ठोका, मतलब इतना जल्दी में हूं ना मैं कंसंट्रेट करके कार भी नहीं चला पा रहा ठीक से। आगे देख लो कि जाके देखो कि वो लोग पहले से बैठे, मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा कंपनी वाले अगर पहले से आ गए तो। देखते हैं तो खोलो रे। अरे इनका ये गेट ये कभी नहीं ठीक करेंगे, हट। एक बार झांक के देख लो, नहीं नहीं कोई आया नहीं। रुको मैं पीछे के दीवार से जाके गेट खोल के अंदर जाता हूँ। ये भी नहीं खोल ले, चलो फांद के चला जाऊंगा मैं। तो गाइस मैं जो है पहुंच चुका हूँ जिमी के घर पे, और अभी जो अपने कंपनी वाले आएंगे तो वहाँ तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, तो एक ही बार में डील वगैरह फाइनल करके आपको बताते हैं किस कंपनी के साथ हमने डील कर लिया, तो आपसे डील के बाद मिलते हैं। तो गाइस डील जो है अपना ख़त्म हो चुका है और हमने जो है हुंडई कंपनी के साथ जो है डील डन कर दिया है। तो आपसे जो शोरूम हमने लिया उधर हुंडई के कार्स हम बेचेंगे, और डील खत्म होते होते एकदम जो है देख सकते हो रात हो चुका है। तो अभी मैं घर के लिए जा रहा था तभी मेरे को भूख लगा था तो मैं इधर खाने के लिए आ गया। तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं।
उन्होंने बोला कि कल सुबह तुमको स्टॉक मिल जाएगा डॉक के पास से। पहले कम गाड़ियां देंगे वो, उसके बाद अगर सेल अच्छा हुआ तो ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियां भेजेंगे। गाइस हम जो अपने घर पे आ चुके हैं, कार को अंदर ही लगा दो, रात हो चुका है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और ये व्लॉग मैं कल सुबह तक कंटिन्यू रखता हूँ, और आप सबसे कल सुबह मिलते हैं। अभी बहुत रात हो चुका है, मैं भी थक चुका हूँ बहुत, अभी रेस्ट लेते हैं और कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज सुबह हो चुका है और अभी जो है मेरे को बैंक पे निकलना है, क्योंकि उनका पेमेंट जो करना है पहले स्टॉक का। कल रात तो मैंने बताया था जी हमारा डील हो चुका है डन। मेरे अकाउंट से हुंडई वालों के अकाउंट में पैसे डालना है बस। आज मैं कोशिश करूंगा बिना बोनी के जाना, आज मैं किसी को नहीं ठोकेगा रे, फुल कॉन्फिडेंट। फुल कॉन्फिडेंस में एकदम जाएंगे अपन, किसी को ना ठोकेंगे। ठोक भी सकता हूँ, कोई आता पता नहीं है, ये वेन्यू कुछ ज़्यादा ही तित्तर की तरह भागती है। वो एक गाइस एक बात बताओ, वो कंपनी वालों के साथ भी सेम चीज हुआ, गेट खुला ही नहीं, उसके बाद जिमी को बाहर आके मतलब हाथ से खोलना पड़ा। उनका जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा आजकल। मैंने बोला माइकल अंकल ऐसा तो बेइज्जती हो जाएगा अपना, कुछ जुगाड़ उगाड़ करो। बोला ठीक है मैकेनिक बुलाता हूँ और ठीक करवाता हूँ। आज शायद से मैकेनिक वगैरह आएंगे गेट को ठीक करने के लिए। वो जितने बार भी ठीक करेंगे ना वो खराब हो ही जाता है। चाइना से लाया होगा वो गेट उन लोगों ने। ये देखो बोनी हो गया मेरा, ठोक दिया मैंने एक को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैंक, अपने सबसे बड़ा बैंक है लॉस सैंटोस का ये। तो पैसा वैसा उनके अकाउंट में भेज के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने जो है पैसा दे दिया है हुंडई वालों को, और उन्होंने बोला कि स्टॉक 1 घंटे के अंदर जो है डॉक में पहुंच जाएगा। और अभी चलो चलते हम निकलते हैं
डॉक के लिए। उधर ही हमको ट्रक व्रक का अरेंजमेंट हो जाएगा उधर, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। लॉस एंटोस वाले डॉक पे जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इतने जल्दी मिलने का कारण ये है कि हमारे शहर में जो दूसरा उनका जो एक छोटा सा डीलरशिप है एक बंदे का, उसका जो सामान आ रहा था उसी के उसने जो है कैंसिल कर दिया ऑर्डर, और ये लोग वही सामान मेरे को चिपका दिए। तो गाइस आपसे डॉक में जाके मिलते हैं। तो गाइस हम जो है डॉक पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो सामान भी जो है आ चुका है। तो गाइस देख सकते हो आप सामने ट्रेलर में हमारा पहला स्टॉक जो है आ चुका है। इसमें जो है दो दो आइटेन है, दो क्रेटा और दो वेन्यू दिया है, बस इतना ही मेरे लिए आज शोरूम में रखने के लिए, बस इतना ही। आगे जो है मतलब बंदे ऑर्डर करेंगे तो ही मैं लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा स्टॉक आगे से। और डिस्प्ले के लिए एक दो तो रख ही लूँगा, तो ट्रेलर को अटैच करते अपने इंजन के साथ। अलग ही फीलिंग आ रहा है, पहली बार अपना धंधा पानी का कुछ सामान जा रहा है, मतलब अलग ही लगता है। एग्जिट आगे से है ना। वेन्यू का साथ से इन लोग ये लोग एक ही कलर लगते हैं, क्योंकि देख सकते हो मोटे के मामा वाला का भी वही कलर है, मेरे को जो स्टॉक में दिया सेम कलर का है। उनको बताना पड़ेगा यार कस्टम पेंट वगैरह का। चलो पर्ची वर्ची दिखा दिया हमने। इधर जिमी का एक बार लग गया था, मेरा तो छोटे छोटे है ना कार्स का साइज बहुत छोटा है, जिमी वाले तो वो तो ट्रक वगैरह टो करके ले जा रहा था ये ट्रेलर से, उसका जो टच हो चुका था। उसके बाद से उसने शायद से माइकल को बोल के कि और ऊपर करवाया है ये जो बिलबोर्ड्स वगैरह है। ये वाला रास्ता बहुत मेरे को कंफ्यूजिंग सा लगता है, कभी आता नहीं हूँ मैं इधर। नहीं गलत गलत आ गया, मैं ट्रक को घुमाना पड़ेगा, मैं तो दूसरे डॉक के अंदर ही घुस गया। एक काम करता हूँ, मैं जो अपने मैप पे जो है मार्क लगा लेता हूँ अपने कसिनो का, इधर है कसिनो। अरे डिटैच डिटैच हो जाएगा। तो गाइस फाइनली जो हमने ट्रक को जो है घुमा लिया है, तो और मैप पे भी मैंने मार्क लगा दिया, चलते हैं बिना टेंशन के। उन लोगों के साथ से मेरे को उन लोगों के साथ बात हुआ कि वो लोग मेरे को ट्रक वगैरह भी देंगे, ट्रक वगैरह उसके बाद सर्विस वैन टो वैन जो हुंडई वालों का लिवरी वगैरह लग के आएगा। अरे क्यों यार ये लॉस सेंटोस वाले मेरे सामने के यूं चिपक जाते हैं ना।
और इतना पतले से रास्ते से जाने के लिए मैप ने मार्क दे दिया। मैप ने पूरा शॉर्टकट वाला रास्ता दिया है मेरे को। और कहाँ अली गली से मतलब लेके जा रहा है मेरे को, हाईवे तो मिला ही नहीं मेरे को ड्राइव करने के लिए। अरे हटो रे, क्या चिल से चला रहे हो, ठोक कर साइड में लगा रहे। कच्चा रास्ते से घुमा लो, उधर कटने ही लगेगा। बच गया, ट्रक फोड़ जाए कुछ ना, ये गाड़ी अगर फोड़ गए ना, जो नुकसान मेरे को होगा ना, वो पैसे भी मैंने अपने लोन लेके पैसे दिया कंपनी वालों को। और ये गाड़ी वाला को हटाना पड़ेगा मेरे शोरूम के आसपास, जो कार वगैरह पार्क कर जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने शोरूम पे, और आगे जो है मैं वर्कर बुला के ये कार वगैरह मैं उतार लेता हूँ और सेट कर लेता हूँ। और आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।